दिवांशु मिश्रा मैम, कुछ दिनों पहले मेरे नेक के इधर लिम्फ नोड स्वेल हो गया था और पेन भी कर रहा था, तो मैंने डॉक्टर से मेडिसिन लिया। डॉक्टर ने मुझे मॉक्सिकाइन CV625 और एसेनेक पी दिया। फिर कुछ दिनों बाद आराम हो गया, बट अभी भी लिम्फ नोड स्वेलिंग है, बट दर्द नहीं हो रहा है और टच करते वक्त हार्ड फील होता है। मैम क्या करूँ? देखिए दिवांशु जी, आपका एज आपने नहीं बताया। ऑल राइट, आपने आपका एज नहीं बताया, आपका बॉडी वेट नहीं बताया। फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन पोस्ट करते हो तो प्लीज़ आपका एज हमेशा लिखिए और आपका बॉडी वेट भी मेंशन कीजिए, क्योंकि बेसिक ये तो रिक्वायरमेंट होती है ना पेशेंट को, के साथ हम लोग अगर बात करते हैं तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना। चलिए दिवांशु जी, देखिए अगर आपको लिम्फ नोड पेन हो रहा था और आपने जो एंटीबायोटिक लिया, ये बेसिकली एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक आपने लिया और उसके बाद आपको ठीक हो गया, यानी कि इस ये लिम्फ नोड में ऑब्वियसली इन्फेक्शन हुआ है। लिम्फ नोड स्वेलिंग दो रीजंस की वजह से होता है, या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है या इन्फेक्शन की वजह से। जनरली किसी भी तरह के कैंसर्स होते हैं तो उसमें लिम्फ नोड का इन्फ्लेमेशन होता है जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता। तो डोंट वरी, आपको किसी भी तरह का कोई भी कैंसर नहीं है, आपको एंटीबायोटिक से वो ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है। अभी कहानी में ट्विस्ट और प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इन्फेक्शन है, दर्द वगैरह तो ठीक हो गया, लेकिन अभी भी वो स्वेलिंग है और वो हार्ड लग रहा है। अभी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, जिसमें ये हो सकता है, प्रॉबेबल है, पॉसिबल है कि इसकी वजह से आपको ये है, और वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की नंबर वन और सबसे पहली निशानी है वो है लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाता है। कई बार पेन होता है, कई बार पेन नहीं होता, कई बार वहाँ पे पस जम जाता है, लेकिन लिम्फ नोड ज़रूर इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह का केस अगर मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले तो CBC ESR करवा लेती हूँ। उसमें जो ESR है वो एक्सट्रीमली हाई आता है। सेकेंडली, कन्फर्मेशन के लिए एक लिम्फ नोड बायोप्सी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लिम्फ नोड बायोप्सी में एक्चुअल में जो लिम्फ नोड के अंदर इन्फेक्टेड या जो भी सेल्स है उसको प्रॉपरली एग्जामिन किए जाते हैं और एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसमें वो लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो सेल्स है ये कोई कैंसरस लीजन्स के है, ट्यूबरकुलस सेल्स है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, किस तरह के सेल्स दिखते हैं। तो लिम्फ नोड बायोप्सी करना एक्सट्रीमली एसेंशियल है। तो आपका एक बार लिम्फ नोड बायोप्सी कर लीजिए, उससे आपके मन में भी शांति हो जाएगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और CBC ESR 110% ज़रूर करना, और जो रिपोर्ट्स आएंंगे वो आप मेरे साथ प्रैक्टो या फिर लाइब्रेट के ज़रिए शेयर करके आप मेरे से ट्रीटमेंट प्लान ले सकते हैं। ओके।